शतर तख्त दे मालक हजूरे अनवर वालिए कुल आलम जुगो जुग अटल धन सतगुरु जुगो जुग अटल साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज तिना दी मुबारक गोद अंदर जोड़ बैठे सज बैठे सतसंगी जनों बड़े प्रेम नाल बड़े अदब दे नाल जिथे सतगुरु जिया दी पावन गोद अंदर हाजरी लवानी है उथे काम दे महान शहीदां दी याद विच जुड़ के बैठे हो इबादत कर इबादत करन दे नाल गल बनदी है किसे दी अज बनदी है ते किसे दी कल बनदी है भगती विचों शक्ति पैदा हुंदी है पहला चौंकड़े लाउणे पैंदे है पहला सिमरन करना पैंदा है ते नेत्रां दे सामने ओ महान शहीद बाबा हनुमान सिंह जी साहिब तिन्हां दा स्वरूप नेत्रां दे सामने लिया के बाबा जीयां दे चरणां ते मस्तक ला के झुका के सिस आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कुछ खास शख्सियतां दुनिया दा काया पलटन वास्ते संसार विच आउंदियां ओ पुरानियां लीआं नूं मिटा के समाज दे विच नवां राह चलाउंदियां। मेरे गरीब नवाज शहनशाह जी ने एहो जिहा पंथ साजिया जेदे वर्गा ना कोई बनिया ते ना कोई बन सकदा। ए मेरे कलगीधर प्रीतम जिया ने बचित्र नाटक विच फरमाया कहिंदे अब मैं अपनी कथा बखानो तप सतत जे बेद मोहे आनो हे मुकुंद पर्वत है जहां सप्त श्रृंग शोभत है तहां सप्त श्रृंग तह नाम कहावा पांड राज दे जोग कमावा ते हम अति तपस्या साधी महाकाल काले पाधारी हे बिन करत तपस्या भयो दवैते एक रूप हो गयो गयो तात मात मुर अलख अरादा बहुविध जोग साधना साधा तिन जो करी अलख की सेवा ताते पय प्रसन्न गुरुदेव तिन प्रभ आयस मोह दिया तब हम जन्म पलो मैं लिया। सतगुरु जी कहंदे मैं हे मुकुंद दे पर्वत ते खूब तपस्या कीती फिर अकाल पुरख ते मैं एक रूप हो गए। मेरे माता पिता ने भी अकाल पुरख की बड़ी आराधना की उस तो प्रसन्न हो गए। अकाल पुरख वाहगुरु जिया ने मैनु संसार ते भेजिया ही खालसा सजने वास्ते। अज अक्सर बेअमृतियां दे कोलो ए एक्सक्यूज सुनीदा है असी ते बाबे नानक दे सिखिया ना बाबे नानक ने अमृत छकिया ना सानू छकण दी लोड़ आ ना धन गुरु नानक साहब महाराज जिया ने शस्त्र रखे ना सानू रखण दी लोड़ आ। अज बड़ा विवाद चल रहा शस्त्रां नूं लैके जे बाणी पढ़िए जे सुनिया होवे इतिहास नूं पढ़िया होवे मैं दावे नाल कह सकदी हां फिर इहो जिहियां असीं टिप्पणियां ना ही करिए क्योंकि भाई साहब भाई गुरुदास जी नूं पढ़दे हां भाई साहब जी फरमाउंदे ने कहिंदे आसा हथ किताब कश किताब ते बच्चा बच्चा जानदा कि किहनूं कहिंदे आ किताब कहिंदे आ जिहदे विच मेरे धन गुरु नानक साहिब महाराज सच्चे पातशाह धुर तों आई बाणी लिखदे सी। एक वार भाई मरदाना जी ने पुछया बाबा नानका
जेड़ी तेरे कोल किताब है मैं जानदा है। आप जी इहदे विच तुलतो आई बाणी लिख दिओ पर कृपा करके दसो आप जी दे हथ विच पकड़िया होया आसा कहण तो भाव डंडा की कहना चाहुंदा। मेरे गुरु नानक साहब महाराज कहण लगे मर्दाना जी जल्द समा आवेगा ऐसे गुरु नानक दे हाथ दे डंडे ने एक दिन शमशीर दा रूप धारण करना। पंज प्याले पंज पीर छठम पीर बैठा गुर भारी लताया पलट के मूर्त हर गोबिंद सवारी चली पीढ़ी सोटियां रूप खावण वारी दल भंजन गुरु जोधा बह परपकारी जोग जोग सतगुर धरे अवतारी। साहेब सतगुरु धन गुरु हर गोबिंद श्याम महाराज जिन्हां ने छेवें जामे दे विच खंडे खड़काई मैं बेनती कर जावा धन गुरु नानक साहिब महाराज सच्चे पातशाह तिन्हां दी पावन जोत दसा जामियां दे विचों विचरदी होई आद सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जीआं दे पावन रूप दे विच प्रगट होई जिथे छेवें जामे अंदर मेरे गुरु नानक ने खंडे खड़काए ओही जोत दसवें जामे विच आउंदी है। दसवें जामे दे विच समा आउण ते क्योंकि जफर मैं औरंगजेब का पूरा नाम दसन लगी हाँ क्योंकि जिन्ना बड़ा ए बेराम दिल बादशाह सी इतिहास अंदर इहदे नाम का ओडा बड़ा जिक्र होया अब जफर महयुद्दीन मुहम्मद औरंगजेब आलमगीर मुआसरे आलमगीरी जेने अपने राज हुक्म कीता कोई घोड़े ते नहीं चढ़ सकता कोई राग नहीं पर सकता कोई सिर दस्तार नहीं सजा सकता पर मेरा बाजा वाला माही कहिंदा आजादी साडा जमंदरू आ गया कहू किसी को राज न दे है जो ले है नेजे बल से ले है। फिर मेरे पातशाह जी ने आखिया खालसा अकाल पुरख की फतह। आज जदों सी किसे शस्त्रधारी सिंह नु वेने आ ना बड़े सवाल कर दिया गुरु घरां अंदर शस्त्र क्यों लेके जांदे हो तुसी गुरु घरां ते जाके कब्जे करने आ। ओ भाई मेरे बापू गरीब नवाज पिता गुरु कल की धरती दी बाणी पढ़ो मेरे पातशाह कहंदे बिना शस्त्र के संग देवो ना दीदारे। पातशाह कहंदे जड़ा शस्त्रा तो बिना जड़ा केसा तो बिना मैं ओनु अपने दर्शन भी नहीं दिंदा जब हमरे दर्शन को आवहो बन सचेत तन शस्त्र सजावो। ते महाराज पातशाह जिया ने शस्त्रधारी फौज साजी है ते फौज दे हाथ दे विच हथियार ही हुंदे आ ये पढ़ के वेख लवो हिस्ट्री समय समय दे नाल सानू चुकने पए क्योंकि जदों हुकूमत साढ़े सिर ते चढ़ के नचना शुरू कर दिया इन्हां नू पुंजे लाउण वास्ते आपर महाराज ने आख्या शस्त्रन के अधीन है राज जब बाण लागियो तब रोस जागियो। हुण खालसा जी दसवें जामे विच मेरे हजूर ने ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਫੜਾਈ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਾਮ ਹਮਾਰਾ ਤੁਲੂ ਤਕੜੀ ਨੰਗੀ ਕਰਦ ਕਭੀ ਨਾ ਪਕੜੀ ਚਿੜੀ ਉਡੇ ਡਰ ਸੇ ਮਰ ਜਾਉਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੇ ਕੈਸੇ ਲੜ ਪਾਉ ਕੈਸੇ ਲੜ ਪਾਉ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਨਾਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਖਤ ਤੇ ਬਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ महाराज पातशाह जी ने सिख फौजा नु साजना शुरू कीता घोड़ सवारी नेजेबाजी शस्त्र विद्या भलथे दा सूरमे रोज अभ्यास करदे आ। अज मेरे कलगीधर पातशाह महाराज खालसे नु गतके दा अभ्यास करदे आ जोर वेख के मेरे पातशाह जी मुस्कुरा उठे कोल दीवान जी खलोते दीवान नंद चंद जी उन्हें सवाल कीता पातशाह अज अचानक आप जिया दे चेहरे ते इन्नी मुस्कुराहट किवें सतगुरु पातशाह जी कहिंदे आवे भी क्यों ना मैं ता मुस्कुरा रिहा कि जिहड़ियां मेरियां फौजां ए रण तत्ते दे अंदर दुश्मणां नाल मुकाबला करन लई तैयार बरतियार हो चुकियां बस एक चीज दी कमी है ओ केड़ी ओ है जी नगारा क्योंकि नगारा जौंदियां जागदियां कौमां दी निशानी हुंदा है। ते पातशाह जिया ने आखना जदों किते वीर रस विच खालसा जी कुदना पै जे लायो रणजीत नगारे ते चोटा असी खुद हाजर हो के जंग नू लड़िया करांगे। हुण मेरे कलगीधर प्रीतम जी दियां चढ़तां पढ़तां गुआंढी रियासतां दे राजिआं ने वेखियां अज इतिहास पढ़िए ना जिक्र आउंदा कि धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज दियां ने 14 जंग लड़े फतेह भी 14 जंगां विच प्राप्त होई पर खालसा जी महाराज पातशाह जी नूं जंग करन दा शौक कोई नहीं सी। सवाल खड़ा होवेगा कीते क्यों
सियाने कहते अगे भाई जो लड़ाई कल पै जाए फिर ओदा जवाब देना पैंदा क्योंकि सी ओ अनियाले तीर हां जो कदे ना उके ज़ालिम दी एक नु पार के लंघ जाइए सुके सच्ची गल है जी मैं साडे ते टुके सानू मारन वाले मुक गए पर असी ना मुके ना मुके जेड़ा गुरु ते खालसे नु मकाउण वास्ते आया आप ते मर मिट गए पर मेरे बाजां वाले माही दा सजाया खालसा ना मुकिया ते ना कदे मुकेगा हुण खालसा साजणे तो पहला भी छे वार गुवांडी रियासतां दे राजे आनंदपुर दी धरती ते चढ़ के आए ओदा कारण की आ के गुरु गोबिंद सिंह अपनी खालसा फौज तैयार कर रहा वेखे कि ए गोबिंद सिंह साडा तख्ता पलटा के अपना खालसा राज ना कायम कर लवे खालसा साजण दे मगर महाराज पर पातशाह जी ने साल पर तप किया गुरु नानक पातशाह महाराज दिया दे बनाए सिख नू मेरे गुरु कलगीधर पातशाह महाराज पूरन पुरश बनाने बारे सोच रहे सी फिर 1699 ईस्वी नू वसाखी वाले दिन भारी इकट्ठ करन वास्ते महाराज जी ने परवाने लिखे हजूर जियां दा परवाना माझा मालवा दुआबा कंधार पोठोहार दूर दूर तक पहुंचे ते कहिंदे जिहड़े भी महाराज पातशाह जियां दे इस हुक्म नू पढ़दे आ ओहदे दिल दे विच चा पैदा हुंदा मैं भी आनंदपुर की धरती नू जाना ते मैं भी आनंदपुर की धरती नू जाना अब्दुल तैरानी औरंगजेब दा रिपोर्टर सी ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 80,000 ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਇਹ ਇਕੱਠ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਆ ਉਹ ਤਖਤ ਦੇ ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੰਬੂ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਾਹੀ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪੌੜੀ ਪੜੀ ਵਧੇ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਿਸ਼ਕਾ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਜਾਏ ਸ਼ੁਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੀਮ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਹੇ ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਤੁਰ ਛੋਟੀ ਤਨੇ ਨਾਨਕ ਏਕੀ ਬਾਹਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜੇਤ ਸਿਰ ਜਾਏ ਸੋਤ ਸੋਤ ਐਨੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੱਜਾ ਪੈਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਨਾਟਾ ਛਾ ਗਿਆ ਕਾਰਨ ਕੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਹੋ ਜਲਾਲ ਜਿਵੇਂ ਰਣ ਭੂਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਹੋਵੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫੌਜੀ ਵਰਦੀ ਪਹਿਨੀ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਕਸਿਆ ਸੀਸ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਦਸਤਾਰਾ ਉੱਪਰ ਚੱਕਰ ਚਮਕਾ ਮਾਰੇ ਤੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਲਸ਼ਕ ਦੀ ਹੋਈ ਤੇਗ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਉਰਾ ਥਾ ਥਾ ਤੇ ਗਰਦਨਾ ਚਟਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਮਗਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਣਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਿਰਮਲ ਡੋਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਕਣੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਣਾ ਤੋਂ ਕੇ ਜੋਤੀ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦਿਆ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਤੇਰੇ ਮਨ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਨੂਰੋ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਣਾ ਓ ਸੱਜਣਾ ਸੱਜਣਾ ਚਾੜਦਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਨਸੂਰ ਦੀ ਸੂਲੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਚੜ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰੀ ਧਾਰ ਤੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੂੰ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਨਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗਾ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਚਾਵਾਂਗਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਜੋੜਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਧਾਰ ਅੱਗੇ ਬਾਈ ਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋੜਾਂ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਪਤਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਮੋਇਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਿਆਉਣੇ ਨੇ ਹਾਸੇ ਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਪਿਆਰ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰਾ ਬਾਜਾ ਵਾਲਾ ਮਾਹੀ ਮੁਖਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬੋਲ ਹੈ
ਸੋ ਰਹੂ ਨਾ ਭੇਟ ਕੋਈ ਤਬ ਸੋ ਰਹੂ ਨਾ ਤਬ ਸੋ ਰਹੂ ਨਾ ਭੇਟ ਕੋਈ ਨਾ ਰਹੂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਡੇਢ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਕੀ ਰਾਖੀ ਵਾਧੂ ਕੀ ਰਾਖੀ ਕੇ ਕੋਈ ਕਿ ਐਸਾ ਪਥ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਪਥ ਸਜਾਵਾ ਕਚੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਚੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਆਵਾਗਾ ਹਾ अकाल बुंगे ते खलो के आखिया सी चढ़ियों से मैं बात गिदड़ों से मैं शेर सवा लाख से एक लड़ाऊं तबे गोबिंद सिंह नाम कहाऊ नाम कहाऊ ते खालसा जी हुण जे समय जेड़ा भी आनंदपुर दी धरती वल चढ़ के आया महाराज ने ओदी धन मरोड़ के धरती नाल जरूर लई आ हुण कहिंदे आ के भाई धार दे राजियां ने कठियां होके औरंगजेब दे कोल जाके पिटने पाए हे अंधाता असी गोबिंद सिंह उथों बहुत दुखियां खालसा फौज तैयार कर रही आ ओते दरबार अंदर उन जीतन गारा बजदा ते सूर में पलथा खेड़दे ओथे गतका खेड़िया जांदा जे गोबिंद सिंह ते काबू ना ना पाया इने साडा तख्ता पलटा के अपना राज कायम कर लेना हुण भई कहिंदे औरंगजेब ने सरहंद दे नवाब नु सुनेहा भेजिया कहिंदा गोबिंद सिंह मेरे राह विच लड़कदा रोड़ा है गोबिंद सिंह जिंदा जा गोबिंद सिंह मुर्दा मेरे दरबार अंदर पेश कर दिता जावे सरहंद दे नवाब ने सामने बैठे जरनैलां नूं वंगार के आखिया आंदा उठो वेखदे आ केड़ा सूरमा जिहड़ा हिंद दे पीर गोबिंद सिंह नूं पकड़ के लियांदा जां पान दे बीड़े वांग चबांदा कहिंदे इन्नी सुन के सामने बैठे वड्डे वड्डे जरनैलां ने धौणा गोडियां विच दे लईआं जावे केड़ा चढ़ के जिहड़ा भी आनंदपुर की धरती ते गया उहनूं मूंह दी खानी पई
खालसा जी इत्थे मैं ये जिक्र कर दिया अज बड़िया नू भुलेखा कि मेरे गुरु कलगीधर पातशाह महाराज सच्चे पातशाह जी ने जंग लड़े नहीं जेडे महाराज पातशाह जी के सलाहकार से उन्हें जान के महाराज जी ने लड़वाया महाराज ने एवं पुत मरवाले गौर नाल सुनियो मेरे कलगीधर पातशाह महाराज जिथे बहुत वड्डे दानी होए ना उथे बहुत वड्डे युद्ध मैं जिक्र कर ही सा गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी का मेरे पातशाह इन्ने वड्डे बली बहादुर होए ना जेड़ा मेरे पातशाह जी दे नाल लक दे कमर कसा हुंदा सी अज तुसी सुन के हैरान होवोगे मेरे कलगीधर पातशाह महाराज अपने कमर कसे दे विच 30 शेर का गुरज सजा के रखते सी अज 18 शेर दे बाबा दीप सिंह साहब जिया दे खंडे दियां गल्लां घर घर विच होंदियां अज साडे वर्गे अखवावणे दे सिखिया असी अमृतधारी हाँ पर असी मॉडर्न इन्ने बन चुके हैं असी गल दे विच डोरी है इन्ना कु उहदे विच कंघा पा लिया इन्नी कु कृपान इन्ना कु खंडा टंग लिया मैनू माफी दिओ पर खालसा जी अज असी अमृतधारी हो के सानू 9 इंच दियां श्री साहिबां पौणियां भारी लगन डह पईआं पर धन मेरा बाजां वाला माही कहिंदे जिथे कमर कसे अंदर 30 सिर दी गुरज उथे 3 फुट दी तेग उथे महाराज पातशाह जी अपने शस्त्र दे विच होर जिहड़े शस्त्र सीगे कमर कसे विच सजा के रखदे ते हैरानी होवेगी क्योंकि अज भी जदों चमकौर दी गढ़ी दा इतिहास पढ़दे आ पढ़दिया पढ़दिया ते सुनदिया सुनदिया वड्डिया वड्डिया दे मन अंदर शंका पैदा हुंदा अज भी हुंदा 40 भला 10 लख वैरी नाल लड़ किवें गए ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਮਰਜੀਵੜਾ ਸਿੱਖ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਸਿਰ ਮੰਗਦੀ ਆ ਹੁਣ ਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਵਿਰਸੇ ਕਰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਜਿੰਨਾ ਖੰਡੇ ਧਾਰੋ ਜਨਮ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਡਰਨਾ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰਣ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਆਦੀ ਨੇ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਰਾ ਤੋਂ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਕੋਈ ਪਰਹੇਜ ਨਹੀਂ ਹਾਥੀਆਂ ਰਾਤੋਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਮਰਨੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ डरे मौत सिंघा सरदारा तो कहिंदे जेड़ा मेरे कलगीधर पातशाह महाराज जिया दा तीर दा कमान सी ओदा पार इतिहास अंदर 9 टंक दा जिक्र होया अज दी जनरेशन नूं नहीं पता होवेगा कि टंक किनू कहिंदे आ ते इक टंक दा भार किन्ना हुंदा है खालसा जी फिर भी मैं दस दियां बजुर्ग ते जानदे होणगे इक टंक दा भार हुंदा 25 किलो ते खालसा जी 9 टंकां दा किन्ना बणदा एक क्वंटल माफी दियो खालसा जी मेरे कलगीधर प्रीतम दिया दा 9 टंक दा जिहड़ा कमान सी उहदा भार सी 2 क्वंटल ते 25 किलो आ 3 फुट दी ते गया मेरियां बाहां विच इन्ना बल नहीं कि मैं इस तेग नूं 10 जां 20 सैकंड एवें रख के होल्ड रख सका शस्त्र भारा है पर वेखो 2 क्वंटल ते 25 किलो दा कमान जदों उहदे विच पा के मेरे पातशाह खपरा तीर चलाउंदे सी कहिंदे प्रेशर इन्ना बनदा हजूर दा एक तीर 10-10 हजार वैरी नूं विच दी चीर के लंघदा एडे बली बहादुर सत श्री अकाल ते उस बली बहादुर नूं फड़न वास्ते हजारों की गिनती विच फौज लैके अदीना देख ते पिंडे खा आनंदपुर की धरती नूं चढ़ाई करदे आ इतिहास अंदर 2 पिंडे खां दा जिक्र होया एक 6वें गुरु नानक दे वेले होया जिहनूं पातशाह ने पुत्रां वांग पालिया एक होया जिहड़ा खालसा सजने तों बाद आनंदपुर की धरती का पहला जंग ते 14 जंगां दे विचों 7वां जंग कहिंदे बहुत हंकारे आ इहनां सिर तों लैके पैरां तीकर अपने आप नूं मड़िया लोहे दे विच कहिंदे गुरु गोबिंद सिंह कादा मान करदा है इहदे कोल मुठी पर शिखड़े ते आप भी आम जिहा सधारण जिहा व्यक्ति कहिंदे असी तां चंद कु घंटिया अंदर गोबिंद सिंह दे हत्थां नूं हथ कड़ियां पैरां नूं बेड़ियां मार के जंजीरां विच जकड़ के बादशाहगढ़ी पेश कर देंगे जां फिर गुरु गोबिंद सिंह नूं कुचल के रख देंगे कहिंदे पहुंचे आनंदपुर की धरती ते ओह समें इहो जिहा सी जंग दे असूल इहो जिहे हुंदे सी कि सूरज छपण तों बाद जंग कीता नहीं सी जांदा शाम दा वेला इन्हां आनंदपुर की धरती तो थोड़ा हटके एक रुख हेठां पलंगा डाह के रणनीति तैयार करनी कीती इन्हां कोल राजा भीम चंद ते उहदा पुत्र अजमेर चंद चल के आए हुण भीम चंद कोलों पेंदे खान ने पुछिया कहिंदा तुहाडा इलाका
अजमेर चंद बोलिया आंदा जनाब जंग जितना सौखा नहीं। कहिंदा की गल फौज जादी है आंदा ना, फिर कहिंदा हथियार जादी है कहिंदा ना, आंदा फिर है की ज्यादा कहिंदा जेड़ा गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा साध्या परिवार उन्होंने खत्म करने दी चाल चलिया, पर इको गल कहिंदे ने राज करेगा खालसा। कहिंदा जनाब इत्थे ही बस नहीं, उस साडे वर्गे तकड़े तकड़े जरनैलां नूं कच्चे पिल्ले डबड़ू घुसड़ू ते 84 दा माल कहिंदे आ। आंदा अपने आप नूं की कहिंदे, आंदा अपने आप नूं कहिंदे ने खालसा अकाल पुरख की फौज। प्रगति ओ खालसा परमात्मा की फौज। बस इन्नी कु गल है जनाब, जंग जितना सौखा नहीं। खिड़ खिड़ के हसिया आंदा मैनू जापदा तुसी इन्हां सिखां कोलों बहुती सेवा कराई है, हर जो पासे दिन चढ़दियां मैं वेना गोबिंद सिंह ते इहदे चेलियां नूं लंबी रात बीती अमृत वेला होया। चाहे सुख हुंदा सी चाहे जंग हुंदा सी, मेरे कलगी त्रिपाछा महाराज जीआं ने कदे भी अमृत वेला नहीं देशा। आसा दी वार दा कीर्तन शुरू होया, सूरमियां ने बेअंत बाणियां दे जाप कीते, जल पानी छकिया, इन्ने नूं दिल चढ़िया, एक पासिओं लगियां ने डंकियां ते चोटां, दूजे पासे धौंसे नगारे खड़काए गए, एक पासे जय अली दे नारे ते दूजे पासे सूरमियां ने छड्डे ने जकारे, बोले सो निहाल सत श्री अकाल। मैदाने जंग अंदर पाचा नीले ते हो के सवार आए, लेकिन दे जिदर दी नीला रंग लिया दुश्मन दिया लाशां दे ढेर गै गज मुकाबला होया। ढाला नाल कृपाना पड़िया कहिंदे इउं जापरिया सी जिवें बदलां विच बिजलियां पड़दियां होण। झागड़ दंग नागड़ दंग बागड़ दंग बाजे, गागड़ दंग गाजी महा गज गाजे। अज जो शाम वेले जंग नू रोकिया पैंदे खां दियां मूंह च उंगलां पै गईयां, कहिंदा ए सी गोबिंद सिंह आंदा सुबान अल्लाह। कहिंदा मैं ते गोबिंद सिंह नू आम दिया फकीर समझिया सी, पर कहिंदा गुरु गोबिंद सिंह दा फलाउ जिहड़ा शरीर ओहदे गोल डौले ते धक धक करदा चेहरा कहिंदा आम नहीं, इह ते सचमुच अल्लाह ताला धरती ते तुरिया फिरदा। पर दूजे पासे मान करदा हंकार करदा, अज तक मेरे हथों आंदा कोई जित नहीं जे सकिया, गुरु गोबिंद सिंह मैनू हरा नहीं जे सकदा। कहिंदे रात गई सारी रात सोचिया गया कि किस तरह गुरु गोबिंद सिंह ते काबू पाया जावे, किवें गोबिंद सिंह नू आनंदपुरी चों कढ मारांगे। रात बीती अमृत वेले एक पासे सजने दरबार ते दो लांगरी सिंह जिहड़े लंगर प्रशादे तैयार करदे आ। अज ते खालसा जी उदो हुंदा ते अफसोस ही आ, मैं अक्सर दो तीन थावां ते जदों शहरां अंदर समागम करीदे ने ना सुनी दा संगत पासों कि भाई कुछ तुसी पंजाबी दे इहो जिहे लफ्ज़ बोलदे हो कि सानू समझ नहीं आउंदी। भाई इह च साडा कसूर नहीं, तुसी अपनी मां बोली भुल के बैठे जे। मैं इहदे खिलाफ नहीं, तुसी हिंदी बोलो, तुसी बोलो इंग्लिश, तुसी बोलो वो फारसी, पर दुख इस गल का वा असी अपनी मां बोली नूं भुला के असी जिहड़ियां अपनियां मासियां चाचियां उन्हां नूं ज्यादा पढ़ी जांदे आ। भाषावां दा जिन्ना मर्जी अभ्यास करो पर पंजाब दी धरती दे रहण वाले हो ते जे पंजाबी तो दूर हो गए ते फिर किहड़ी गल नूं कहिंदे असी आजादी आ। असी बच्चे भी उन्हां स्कूलां कालजां विच पाए जिथे पंजाबी बोलण ते फाइन कीता जांदा है, की बोल सकते हो बस हिंदी ते इंग्लिश। मैं मां बाप नूं पुछना चाहुंनी आ भाई इन्हां नूं बड़ी बड़ी एजुकेशन दिओ, बहुत बहुत पढ़ाओ, वड्डियां वड्डियां पोस्टां साडे बच्चे मल्लण, पर अज गल सिर्फ प्लस टू तक रह गई, प्लस टू करो ते विदेशां नूं तुर पवो। अज जिहो जी विपता साडी कौम ते बणी आ ना, जे उच्चियां उच्चियां पोस्टां ते डीआईजी एसएसपी अज साडे नौजवान वीर सिखां दे बच्चे अज बैठे हुंदे ना ते सानू आ दिन वेखणे ना पैंदे। किहो जिहा माहौल चल रिहा पंजाब दे अंदर, बाते वखाण दे तां सिखिया पर कल्ले तन करके सिखिया मन करके नहीं। सिखी वालों निक्की ते खंडियों तिखी आ, अखवाउणा जिन्ना सौखा बनना उन्ना ही औखा। अज किसे दे पुत ते बणी आ ना
ते सानू घरे बैठिया नू हासे छड़ दिया। ए सोचियो जरूर समा आउना है। अज जे इथो तक सरकारां फिर तो उतर आईया ना, अज किसे दे बच्चे ते बनी है ते कल नू साडियां दी भी वारी आ। हालात इन्ने माड़े हो चुके, मेरिया गल्लां नाल बहुते नहीं सहमत होणगे। मैं ते अपने बाप की गोद च खलोती हाँ, क्योंकि मेरे पातशाह ने ओ सिद्धांत कहा, सच बोलना, सच सुनना, सच कहना ते सच ते रहना। कूड़ न खुटे नानका ओड़क सच रही। जित कह दी हुंदी आ, सच दी हुंदी ना। बड़िया नूं मेरी गल दी तकलीफ ते होनी है, पर असी सच बोलना। की चल रहा पिछले दिनों तो, बड़िया जशन मनाए। भाई अमृतपाल सिंह ने किसी का कतल किया? दियो जवाब। कतल किया? नहीं किया। उन्हें नशे का व्यापार किया? नहीं किया। ते जो ओदे केस नहीं सी रखे, असी क्या सी? एक ही नौजवानी नूं सिख्या दो, उन्हें अमृत छक लिया। ते जिस दिन का अमृत पान किया, वो आरएसएस का हो गया, वो एजेंसियां का हो गया। मेरी बेनती मनियो, जे एजेंसियां का भी सी, उन्हें अमृत जे पान आप किया ते हजारां नूं होर छकाया। नशियां तो मावां दे बच्चे दूर किते, बस यही ओदा गुनाह सी। ते खालसा जी अरदास बेनती करदे आ महाराज अगे, अज भी अरदास दिन तां बड़े औखे लंघे कि पता नहीं वीर किथे आ। चलो अकाल पुरख ने कृपा की, बस इन्ना तो है ना कि साडियां अखां दे सामने आ। नजायज मावां दे बच्चे चुक चुक के जेलां विच डक दिते। बड़े लोग अमृतपाल सिंह का विरोध कर रहे हैं, पर खालसा जी जे सरकार की नीति गिरफ्तार करन दी हुंदी ना, 8:30 बजे तक वो अपने पिंड अपने घरे बैठा सी। पर जे नीति उन्हां दी कुछ होर सी, फिर खालसा जी का तो पता ही है कि जान बुझ के जे किसे नूं खत्म करना होवे, ये गल नहीं ना बनती। अन्याय मौती कौन मरता है? जे जूझ के मरना है तो सारे मरने वास्ते तैयार हैं, क्योंकि साडियां रलगां विच गुरु कलगी धर पातशाह महाराज का लहू है। हुण जे वीर जीआं दी खातर हरी के पुल के उपर मोर्चा धरना लाया सी साडे सिख नौजवान, साडे वड वडेरिया ने रल के, तां उन्हां ते बैठिया ते शांतमई तरीके नाल अमृत वेले अटैक कर दिता गया। लाठियां, अथरू गैस दे गोले, उन्हां दे वाहन ट्रैक्टर ट्रालियां जो गड्डियां सी उन्हां दा नुकसान किया। प्रशासन नूं कहने तुहानूं कहने ठौटी दित्ती है, जिहड़े उत्थे अफसर सी उन्हां नूं किहदा हुक्म होया कि शांतमई बैठियां दे उपर इन्ना अत्याचार किया जाए? अज जदों भगवंत मान की सरकार बनी है ना, मैं याद करा दिया सीएम नूं, तुसीं दावे कीते सी 1.5 महीना दिओ तुहानूं बेअदबियां दा इंसाफ दवा देंगे। अज साल हो चलिया, लगातार साडे गुरु ते हमले 2015 तो लैके 2023 चढ़ पिया। किहड़ा ऐसा साल आ जिहदे विच साडे पातशाह की बेअदबी नहीं होई? अज खालसा जी साडियां अणखां साडियां मरकां इह कित्थे गवाच गईआं? अज साडे दुनियावी बाप नूं कोई साडे सामने आके उहदे गलवे नूं हथ पा के ते साडे बापू दे मुख ते कोई चपेड़ा मार जावे, की करोगे? वेख के जर लवोगे? असीं गुरुद्वारा साहिब वड्डे वड्डे कैमरे लगा दित्ते। चलो एक ते सानू है कि सारा पता लग जूगा, किसे दे चोरी ना होवे, कोई बेअदबी ना होवे, उहदे बाद च पता लगना ना। जो टाइम ते हो रहा कैमरिया ने कैद कर लिया, पर कैमरिया तुहानू आवाज मार के थोड़े ना दसनी है कि भाई ये बंदा जेड़ा ये माड़ी नीत नाल गुरु घर वड़िया, जेड़ा गुरु घर बेअदबी करता जां तां मंदबुद्धि हुंदा जां पागलखाने चों छुट के आया हुंदा, ये की लॉजिक आ? साडे श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पातशाह क्यों दसदे आ? गौर करियो खालसा जी, विचारण की लोड़ आ। सरकार नूं भी पता है कौम बंबा बंदूकां टैंकां होर हथियारां नाल खत्म नहीं होई। नशे का हथियार अपनाया किहड़ा ऐसा पिंडिया मैनूं लिख के दस दिओ जिस नगर के अंदर नशियां ते लग के मावां दे बच्चे नहीं संसार तो गए। इन्ना घोर कलयुग वध गया, 14-14 साल दे मामा दे पुत इंजैक्शन ला ला के मर रहे ने। अगे ते जिहड़े अशराब सी ओह भी ठेकियां तों मिलदी सी, ते साडे सीएम ने सुधार वेखो किहो जिहा कीता कि ओह दारू हुण तुहानूं अज जिहड़ियां करियाने दीआं दुकानां इह स्टोर ने जिहड़े इन्हां ते भी मिलिया करूगे। हाले के लिखिया ना शराब की बोतल ते भी कि तुहाडी सेहत वास्ते हानिकारक आ, ते जे सुधी जहर आ ये शरेआम विकदी आ, ते जे खालसा जी कोई अमृत शिकारी आ ये सरकार नूं क्यों चुभदा है?
नशे वेचन वाले अजे तक नहीं फड़े गए। क्यों नहीं फड़े जाते? वेखो एक बंदे नु फड़न वास्ते 80,000 तुसी फोर्स ला दित्ती ते की गल जे इन्नी खेचल नेट बंद करके कर्फ्यू ला के तुसी नशे दे सुदागरां नु फड़िए ते असीं तुहाडा स्वागत भी करिए। पर शरीयत धक्का चल रही है। पर मैं याद करावा सरकार नू, जे तू हुण अपनी चाल ते आई गई ना इन्ने गिर तुसी गई हो, फिर एक गल जहन विच रखियो, जेने भी ओ सिखां दी सुप्रीम कोर्ट तख्त श्री अकाल तख्त साहिब दे वल नू उंगल भी कीती ओदा की हशर होया। अज इतिहास दे सुनहरी पन्नियां दे उपर ओ इतिहास चमका मारदा। बेअंत सिंह ते सतवंत सिंह कौन सी? पहला ते नहीं सी ना अमृत छकिया, सिर ते केस नहीं सी, चेहरिया ते धारे नहीं सी। ते मैं पहला भी जिक्र कीता सी, सिखी सिर्फ मंगदी जे सिर। फिर जेड़ी पापण ने आखिया कि मैं पंजाब दी धरती ते सिख नहीं वेखने, सिखां नू खत्म कर दियो, पर ओ कलगी धर दे सूरबीरां ने ते पापण दी हिक दे उपर खालिस्तान दा नक्शा बाक नरकां नू तोड़िया। खालिस्तान की आ? अज बड़िया नू खालिस्तान सुनन तो तकलीफ आ जी, जे किते खालिस्तान बन गया हिंदू सिख मुसलमान भाईचारा टुट जू भाई। अज जड़िया वंडियां असी पा के बैठे हां ना, एदे पिछे जड़ा हाथ आ सरेआम सरकार दा है कि नहीं? ए सच आ। कहिंदे जदों कीड़ी दी मौत आउंदी अपने खंभ खलार लैंदी, सियाणियां दा कहना है, ते जदों सप्प दी मौत आउंदी ते सड़क ते आ जांदा है, जदों मौत आउंदी है कुत्ते दी ओ फिर मस्जिद ते चढ़ के भौंकदा, जदों राजनीतिक लोकां दा अंत हुंदा है ए फिर लोकां दे धर्मां दे विच दखल देनी शुरू कर दिंदे है। पर याद रखियो, कौन पुछदा कामां ते कुत्तियां नूं पिंजरे बंद हमेशा ने शेर हुंदे। उहनां कामां नूं सदा जहान पूजे जिन्हां कामां दे मर्द कलेश हुंदे। बेड़ा काम दा उदो है गलत हुंदा जदो अपना ही कोई कदार हो। मानस काम दे जेकर होण चंगे ते सिख कौम दी कदे ना हार हो। ते मैनू हरेक स्टेज ते बाबा जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरां वाले महापुरखां दा बचन याद आ जांदा। अज सारे सिखां दे घर जम्मे बैठे हो ना, बहुत गिणती दे अंदर दूजे भी बैठे ने, तुहाडा भी स्वागत आ जी। आया कि नहीं आ तुहानू? पर मैं ए थोड़ी जी गल सिखां दे बच्चियां नू कहण लगी, क्योंकि असीं आ सिख प्रचारक, साडा फर्ज बणदा होका लाउणा, मान नाल कहना, हक नाल कहना, क्योंकि सानू आजादी दित्ती है साडे बापू ने स्टेज ते बोलण दी, उहदे घर दे कूकरियां, ते साडा फर्ज वी बणदा। किन्ने गिणती दे विच बैठे हो कि जिहड़े कहिंदे हो बाहां खड़ियां करदे हो इमानदारी नाल, किन्ने कु जाणे आ जिहड़े कहिंदे कि असीं गुरु कलगीधर पातशाह महाराज दे पोते आ? कलगीधर दे बच्चे किन्ने कु बैठे आ? बड़ी चढ़दी कला, सारे बैठे आ, बहुत चढ़दी कला। ते हुण ओ बाहां खड़ियां करन जिन्हां गुरु दी मन के ते अमृत छकिया। हुण बड़े बरलियां दियां बाहां खड़ियां। भाई सिखो, मेरी बेनती मनियो, बाबा जरनैल सिंह जी ने जदों धर्म युद्ध मोर्चे का अनाउंस किया ना, एक प्रेस रिपोर्टर विदेश चो चल के आई, उन्हें सवाल किया, जरनैल सिंह खालिस्तान कदों बनेगा? संत जी चुप, हुण इत्थों सारियां नूं जवाब मिल जाणा खालिस्तान की है। दूजी बार पुछदी पिंडरां वालिया, खालिस्तान कदों बनेगा? संत जी चुप। उन्हें तीजी बार फिर पुछ लिया, इंटरव्यू लै रही सी ना, सवाल खड़ा किया कि जरनैल सिंह खालिस्तान कदों बनू? महापुरख कहिंदे, बीबी जिद्दण मेरी कौम दे रागी ढाडी प्रचारक कौम दे कहाउण वाले आगू जथेदार आप खालसे बन गए, उदण अपने आप खालिस्तान बन गए। अज खालसा राज चाहीदा है, पर खालसे किन्ने कु बैठे आए ते वेखिए, खालसे बनन नू असीं तैयार नहीं, पर खालसा जी वेला है अजे भी संभल जाइए, जिदन साडे सारियां दे सिरां ते नीलियां पीलियां केसरी दस्तारां बज गईयां जिन्हां तों शुरू तों दिल्ली नू तकलीफ रही आ। इह मैं दावे नाल कहनी, उदन खालसा राज अपने आप आ जाणा। अपने अंदर झात मार के वेखिए। अज असीं आपां कहिंदे ना, असीं बाबा अजीत सिंह जी दे वारस आ, असी अकाली फूला सिंह दे वारस हां, असी बाबा हनुमान सिंह दे वारस हां। इतिहास पढ़ के वेखियो, सब तो पहला मैं धन बाबा अजीत सिंह जी दा जिक्र करा, क्योंकि जेड़ा मेरा इतिहास चल रहा असी इन्ना जानते हैं ना कि साहब ज्यादा बाबा अजीत सिंह ने चमकौर दे मैदान अंदर तेग वाई।
इस तो पहला भी तीन जंग किए। पौने 18 साल की उम्र के विच विच कलगीधर पातशाह महाराज के साहबजादे ने कुल चार जंग लड़े। पहला बसी के पठान नाल, दूजा अदीना बेग के पेंडे खान नाल, तीजा सरसा के कंडे ते, चौथा चमकौर के मैदान अंदर। सैकड़े नहीं, इतिहास गवाही भरदा के हजार फट बाबा जी ने अपने शरीर में खाधे ते शहादत का जम पीता। केंद्र अज आशा दी वार दे कीर्तन की समाप्ति हुई ते इधर जड़े सिंह लांगरी गए सी बालन दियां पंडा लैण वास्ते, पेंदे खां दी फौज दी नजरी पए, उन्हां तीर चलाए, सिंह जख्मी हो गए। एक सिंह ने आके दस्या पाछा पेंदे खां ने एक होर भाजी पा दित्ती। महाराज कहिंदे घबराउणे दी ते लोड़ कोई ना। पाछा जी ने निगाह घुमाई, कोर 14 साल दा लाडला बैठा तन बाबा अजीत सिंह साहब, आवाज मारी है सोरिया देरी ना करी, मैदाने जंग अंदर जान दी कमर कसे कस। साहबजादे ने पईया जंगी बाणा कसिया कमर कसा, लस जाई ते मोटे पाया तिरिया वाला पथा, लिया सुरबीर जोधे नु नाल, ओना पई सतगुरां दे चरणा ते टेकिया मथा, नाल लिया सुरबीर योद्धियां दा जथा। सामने खुल गया जी किले दा दरवाजा, तकिया वरी दी फौज नू ते पड़िया गगनत मामा बाजियो, परे निशाने कहो खेच मांडे सुरमा आप जूजन को शिवावर में है। शुभ कर्म ते कभू न दलो, न दलो अरस जो जब जाए लरो, निश्चय कर अपनी जीन करो, अरस कहो अपने ही मन को, ए लाल चौहान को तो जब आपकी आद निधान बने अब हिरण में तब जूज मरो। सूरा सो पहचानी है जो लड़े दीन के, पुर्जा पुर्जा कट मरे कपू न छड़े। क्या बरी दी फौज में केंदे तू के सर कर दी कदी ब्याह जो तेग ते तेग नु सिमरिया, तुझे पूड है वीर बनैत क्षत्री, महा खड़ग तारी महा तेज अत्री, मरे प्रीत सो प्राण अस्तोत्र जागो। खालसा जी, मेरे कलगी तेरे पातशाह महाराज दियां ना साहेब दादा अपनी तेग नु सिमरदा, ते मैनू ख्याल आ गया अक्सर समागम तो पहला वीर जियां नाल विचार चल रही सी कि जो अज बहुते गिणती दे अंदर शंकावादी लोग बाबा जी दे स्थान ते आउंदे आ, सामने कुछ अजिहे शस्त्र पाया जिहड़े पुरातन आ, सानू उन्हां दे अर्थ उन्हां दी महानता बारे कुछ नहीं जे पता, ये सच आ ना। ते असीं कहांगे जी ये ब्राह्मणवाद करी जांदे ने, ये जो असल दे अंदर बोल बोले जांदे आ मैं उन्हां दा ही जिक्र कीता। हुण महाराज पातशाह जियां ने ये तेग नूं संबोधन करके लिखा सी, तुझे पूज है वीर बनैत क्षत्री, महाखड़ग धारी महातेज अत्री, मरे प्रीत सो प्रात स्तोत्र जागो, करे रुद्र काली नमस्कार दागो, रुद्र मंजनी बिंजनी है अगोती, सदा जाए सदा जाए सदा जाए अगोती, सदा दाहने दास को दान दीजिए गुरु शाह गोविंद की राह कीजे। मेरे पातशाह जिया ने तो शस्त्रां नूं क्या ही पी रहा, पर इन्हां अगे साडा सिर क्यों ना झुके। ये शस्त्र महाराज पातशाह जी ने जिहड़े सानू बख्शे, ये एक सिख दे गहने आ, ये साडे अंग ने। पर खालसा जी, अज बहुत गिणती दे अंदर असी अपने विरसे तो दूर हो चुके हैं। विरसा असी की बनाया, सभ्याचार असी किनू मुख रख लिया, अज ही बस जी सभा सभ्याचार ओ आ, स्टेजा ते नच नुच लिया, घर दे विच डीजे ला ले उथे नच टप लिया जी, ये साडा सभ्याचार नहीं। साडा सभ्याचार की है, साडा विरसा की है, इतिहास के पन्निया नू फरोलीए ते पता लगदा है साडा विरसा करनिया ते कुर्बानिया दे नाल भरिया पिया। सिक्खी दे सकूल जदों दाखला लईदा ना, इत्थे फीस ही सिरां दी लगदी है, इत्थे तन आर्या नाल चरवाई, ओबल दियां देगां दे विच चुपे लाए, पुठियां खलां ते लोहाइयां, पर मुख जोगी आखिया सिर जांदा ते जावे साडा सिखी सदक ना जावे। हुण रहा विचार दे अंदर साहबजादे ने ऐसी तेग वाई, मुगल तौबा 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 कर उठे आ, ते जो मैदाने जंग दा माहौल आ खालसा जी कवि ने अलगोजिया दे रूप विच लिखिया, आ किस तरह तहला नाल मैदाने जंग अंदर तलवारा भर रही है, वेखण वाले दसदे है इह जाप रिहा जिवें बिजलां दे अंदर बिजलियां भरदियां होण। आओ जी इन्हां सतरां नूं अलगोजियां दे रूप विच हे
छोड़ते चल गए। Thank you.
बहादरी वेख के मुगल अश अश कर उठे। कहंदे अज जदों सूरज छपिया जंग नूं रोकिया गया ते पंदे खाने पा के मथे ते त्यौड़ियां ते चिट्ठी लिखी है। लिखिया की आ आंदा गोबिंद सिंह जेता है तेरियां बाहां दे विच जान ते कल नूं मैदाने जंग अंदर आप आके मेरे नाल दो दो हथ करी। कहंदे पातशाह ने चिट्ठी नूं पढ़िया ते वटारिया। रात बीती उसे तरह सुर बीरा ने अमृत वेले बाणियां दा जाप कीता। दिन चढ़िया डंके धौंसे नगारियां ते लगियां ने चोटा। मैदाने जंग अंदर सुर बीरा ने जाना शुरू कीता। जंग शुरू होया ते कुछ समय बाद महाराज पातशाह जी ने हुक्म कीता कहिंदे करो मेरे नीले नूं तैयार। नीला कौन है? नीला महाराज जीआं दा घोड़ा। बहुत वड्डी कुरबानी है खालसा जी नीले दी। आख्या सी जदो महाराज पातशाह जी गुरु के लाहौर दी धरती ते माता जीतो जी नूं व्याहण वास्ते चले। हुण बहुते लोग आ जिन्हां दे मन अंदर श्रद्धा नहीं भावना नहीं। कहिंदे जे मन अंदर सिख हो के तेरे प्यार नहीं गुरु प्रति श्रद्धा भावना नहीं ते सिख कहाण दे सी हकदार नहीं। अज इतिहास ते बड़ा किंतु हुंदा जी हरिमंदर साहब दुख भंजनी बेरी थले क्यों इशनान कीता जांदा उते आम जलिया नहीं खालसा जी। जिथे 24 घंटे शहीद सिंघां दा पहरा होवे अज बाबा हनुमान सिंह जी दी गोद विच बैठे हो। किसे समय हंसाली वाले महापुरख सचखंड वासी बाबा अजीत सिंह साहब जीआं ने वचन कीता सी जदों स्थान तैयार हो रहा सी। जदों इह स्थान प्रगट होया ना महापुरखां दे मुख दा वचन सी कि बाबे हनुमान सिंह दे अस्थान ते जिवें हरिमंदर साहब दी धरती ते रौनकां लगदियां इवें इस जगह ते भी लगिया करनगियां। जो कि अज जो कि अज साजिया लाइन नहीं टुटदी दर्शना वास्ते। इह खालसा जी किहनू नमस्कार आ? उहनां दी बंदगी नूं, उहनां दी कुरबानी अगे साडा सिर झुकदा ना। ते अज बहुत गिणती विच अजिहे लोग ने जिहड़े कहिंदे ने जी संतां महापुरशां नूं क्यों मत्था टेकदे जे महाराज पातशाह ने तां कहा गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी अगे मत्था टेकणा। खालसा जी सतगुरां दा हुक्म आ। हुण वेख्या जावे कि सतगुर पातशाह जीआं दी बाणी अंदर भी गुरु सिखां दी बाणी दर्ज आ, भगतां दी बाणी दर्ज आ, भट्टां दी बाणी दर्ज आ। ओह ते सारे गुरु ग्रंथ साहिब जी दी गोद विच बैठे। अज जे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं मत्था टेकदे आ उत्थे भगतां दे भी चरणां ते मस्तक लगदा, उत्थे गुरु सिखां दे चरणां ते भी मस्तक लगदा। मेरी बेनती मन्नियो, इस गल ते किंतु बहुत करनगे पर मैं उहनां दी बराबरता नहीं कर रही। पर जिहड़े साधु संत महापुरश ने उह विचोले आ किहदे नाल मिलाउण वाले, इस सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जीआं दे घर नाल मिलाउण वाले, उहनां दी कमाई अगे। क्योंकि हर समय जिहड़े गुरु गुरु करदे रहिंदे ना बाणी पढ़ीए, सतगुरु जी कहिंदे हर का सेवक हर ही जिहा। ये वड्याईयां हर किसी के हिस्से नहीं आउंदियां। साहिब हाथ वड्याईयां जिस भावै ते सदे। आ कलयुग दा समय, एक कलयुग दे समय दे अंदर जिवें कच जिहड़ा बहुत खलरिया फिरदा ना ते हीरियां दी घाट ते कोई नहीं, बस साडे कोल वेखण वालियां अखियां नहीं। मैं सचखंड हरिमंदर साहब दा जिक्र कर रही सां, बड़े ने लोग किंतु करदे आ। वेखो खालसा जी जिथे 24 घंटे बाबे दी बाणी चलदी रहिंदी है ते ओ जल आम नहीं फिर अमृत बन जांदा है। ते साडे बापू ने गुरु रामदास महाराज एके दे घर विच बैठे आ, इको एक घर आ जिथे असीं मान नाल कह सकदे आ कि इह घर साडे प्यो दा घर आ। जिस घर दे विचों सानूं कोई बाहर भी नहीं कढ सकदा उहदा कारण की आ? क्योंकि असीं सारे पातशाह जीआं दे धीआं पोतियां। महाराज ने सब कुछ कुर्बान करके सानू करना लाया ते खालसा जी साडा जी करे असी दुख भंजनी बेरी थले इशनान करिए, साडा जी करे असी बाबे बुढ़े साहब वाली बेरी थले इशनान करिए ते किसे नू काली दिक्कत। अज नीले दे इतिहास तो भी बड़ा किंतु होया सी, पर बेनती सुनियो जिस समय पातशाह व्याहण चले ना गुरु के लाहौर की धरती ते सतगुरु पातशाह जी रुक गए। संगतां ने कारण पुछिया पाछा रोक क्यों गए? पहाड़ी रस्ते महाराज पाछा कहिंदे हाले मेरा एक मित्र आने वाला रहिंदा जिहदे बिना मैं जा नहीं सकदा। संगतां ने सत बचन कहा। एक पासिओं भगवे कपड़िआं वाले साधु आ रहे सी, कुछ शस्त्र बस्त्र सजा के सिख आ रहे सी। कोई कह रहा आ होवेगा, कोई कह रहा ओ होवेगा।
इन्हे नू नीले घोड़े ने आके सतगुरां नू नमस्कार कीती। पातशाह ने थापी दिती आखिया नीलिया तू ते व्याह वेले नियां इंतजारां करवा रहे हैं जद जंगा जुदां विच जूझना पऊ ते कितनियां इंतजारां करेंगा। आंदे उस समय जिहड़ी संगत महसूस मौजूद सी उन्होंने इहो महसूस किया कि जिवें नीले ने जवाब दिता होवे पातशाह तेरे सिख तां तेरे तों मुख मोड़ लैणगे पर तेरा नीला तैनू जंगा जुदां विच वी तेरा साथ देवेगा। जो कि प्यारे खालसा जी नीले ने साथ दिता अज पातशाह जियां दे उस नीले दा नाम भी इतिहास दे सुनहरी पन्निआं उपर चमका मारिया। लो भी मेरे कलगीधर जी ने आखिया करो मेरे नीले नूं तैयार। लोपी सिंघां ने दल शिंगार नूं कीता तैयार। नीला नचदा टपदा रुड़कदा भुड़कदा भुड़कदा आया सतगुरां दे कोल। हजूर ने रखिया रकात ते चरण मार के पलाकी होए घोड़े ते सवार ते नीले नूं चढ़िया चा इन्हें खुर चके जमीन उत्ते रखे दो भारे खड़े ने खादे वल ते नीला दगड़ 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 आप पहुंचिया मैदाने जाने ते पेंदे खाने हंकारे होए ने मैदाने जंग दे दो चक्कर लाए ते कहिंदा गोबिंद सिंह मैं तेरे नाल बात करनी चाहुंदा। पाछा कहिंदे ओ पेंदे खा मैदाने जंग अंदर आके गल्लां नहीं इत्थे हथियारां दी परख कीती जांदी। सतगुरु कहिंदे है असी पहला वार किसे ते करदे नहीं ते फिर जरदे भी नहीं। पहले तीन वार तू करेगा जे तेरे तिना वारां चो एक वार भी मेरे ते चल गया ते जित तेरी ते जे तीनों खाली गए फिर अगला वार गोबिंद सिंह करेगा जे ओदे तो बच के तू भज जाना ते जित तां भी तेरी। होर हंकार गया आंदा गोबिंद सिंह होर भजेगा ते नहीं। पातशाह कहिंदे ओ तेरा वाह प्यार का बोलना नाल अवे तेरे सामने मर्द खलोता कर वार लो भी इन्हें कीता पहला वार एदा पहला वार गया खाली। और एक प्यारे खालसा जी जेड़ा हार गया उन्हों मुंह वेच लेके उंगला ते दंदियां बजन डे पिया तेरा हाथ जेदे नार तू कदे तीर चलाउंदा सी वार कदे खाली नहीं सी जांदा ते अज किवें खाली चलिया गया हैरान हो गया क्योंकि मान करदा सी कि मैं जरनैलियां दूजे पासे गुरु गोबिंद सिंह आम जिहा सधारण जिहा व्यक्ति कहिंदे मूंह च उंगलां पै गईआं हुण कढ़दा पथे दे विचों दूजा तीर इहने चाढ़िया तंदी ते कहिंदा गोबिंद सिंह मैं सुनिया कि तेरा घोड़ा वी बड़ा करामाती है कहिंदा हुण इह वार मैं तेरे घोड़े ते करांगा। इन्हे कीता दूजा वार घोड़े ते मेरे पातशाह जी ने लाई घोड़े नूं अड्डी ते घोड़ा दूजी दशा नूं पढ़ा लिया ते दूजा वार भी गया खाली। हुण करदा तीजा वार महाराज जीआं दी छाती ते करना चाहुंदा है कहिंदे जदों छड़दा ना तीर महाराज जी ने ढाल करके रोकिया इहदे तीर ते दो टोटे होए। पातशाह कहिंदे पेंदे खा भजी ना आस खावां वार किवें करीदा ओए पेंदे खा जिन्हां उस्तादां दी मार खाधी हुंदी आ ओह छातियां ते मत्थे वेख के वार नहीं करदे ओह फिर कन्न दे विचों दी आर पार कर दिंदे आ। कहिंदे हजूर ने कढ़िया चुनवा तीर चाढ़िया तंदी ते पातशाह कहिंदे सोधन हो जा हुण भजी ना जिहड़ा मान करदा सी कि मैं सिर तों लैके पैरां तिकर अपने आप नूं लोहे नाल मड़िया हुण बड़ियां दे मन विच ख्याल आ जांदा लोहे नाल किवें मड़ हो गया। अज असी वेखदे आ ना अजायब घरां दे विच वी साढ़े कुछ पुरातन योधियां दियां जैकटां पईआं ने जड़ियां लोहे दियां बणियां होईआं उहनां नूं संजो कहा जांदा इस तरह संजो पहन के आए सी सिर नूं भी इहने लोहे दी टोपी नाल कवर कीता पर मेरे कलगीधर जी ने इहदे खब्बे कन्न विच तीर मारिया सच्चे चो पार होया डिग्गा धरती ते अपने लहू विच करतारियां लाउंदा ते फतेह। अकाल पुरख वाहिगुरू जी ने अपने खालसे नूं बख्शी है। खालसा जी मेरे कलगीधर जी नूं मैं फिर जिक्र कर दियां जंग करन दा शौक नहीं सी पर जदों लड़ाई गल पैंदी ना उहदा जवाब देना पैंदा ते अज जिहो जिहा माहौल चल रिहा ते सानू प्रचारकां नूं भी बहुत सारियां गल्लां नूं फेस करना पै रिहा। अज वी वीर जी उहनां नूं दस रहे सी हुण जिथे प्यार करन वाले आ ते उथे नफरत करन वाले भी हुंदे आ। ए फोन करके दस्या जांदा जी स्टेशनां ते पुलिस स्टेशनां ते कि भाई ए जथा गर्म बड़ा बोलदा है भड़काऊ प्रचार करदा। हुण वेखो जद मान योग सुप्रीम कोर्ट कहिंदी आ कि तुसी अपने हक मंग सकते हो जेड़ा मर्जी तुसी बयान लोकां दे सामने रख सकते हो ते फिर बाकी दूजे तीजियां नूं कादी दिक्कत आ।
जब सुप्रीम कोर्ट कहती कि असी गल कर सकते हैं खालिस्तान की बारह तारीख को सानू कल परसों के कटो घट दस भी फोन आ गए कि बीबी जी तुसी आ रहे हो पर असी ये भी सुनिया कि जी जी कमेटी वह कहती कि पुलिस प्रशासन कहता कि जथा इतने आवे ना भड़काऊ प्रचार करता गल गर्म करता माहौल हो जा चल रहा हूँ भला दसो तुम रागी ढाडी प्रचारक पाबंदियां कहदियां लाइनिया शुरू की असी तो सच बोलेंगे मैं पहला ही जिक्र किया सिखी की गल तो सच बोलन की गल ठेका जो तुम पुछो ना किने दिता ये साढ़े बापू ने दिता असी एदे घर दे प्रचारक हाँ हुण वेखिए जे असी माया लैने आप दियां पासो ते माया लैके सच ही ना बोल के जाइए पर असी कहदे अपने आप नूं प्रचारक कहने पर अज साडे विच भी बहुत कमियां साडे बहुत गिणती विच प्रचारक है ने जेड़े अज खालसा जी सिर्फ माया नूं मुख रखिया माया दे चार छिलड़ वेख के साडी किते जबान बकाऊ ना हो जावे मैं हर साल बाबा जी दे स्थान ते तुहाडे चरणां च बेनती करदी आं कि जथे दे लई अरदास करिया करो पाछा जथे दी झोली दे विच गुरसिखी ते नितनेम दियां दातां पा के नवाज दियो किते माया दे छिलड़ वेख के साडी जबान जिहड़ी ओह बकाऊ ना हो जावे बड़ा खराब कीता अज भी लेट हो गए ते मैं वेख रही सां वीर जी दस रहे सी कि संगतां कहिंदियां कदों आना लेट हो गए भाई जदों रस्तियां ते चलदे आ ना उत्थे प्रबंधकां दा भी नहीं जोर चलदा ते जथे दा भी नहीं की पता कित्थे ट्रैफिक हो जाणा बड़ियां रुकावटां रस्ते विच पै जांदियां इस करके भाई रल मिल के रहा करिए हुण जिहड़ा समां ये आपस में लड़न झगड़न का तो है ही नहीं ये समा किहो जिहा धड़े बंदियां छड़ के पार्टी बाजियां छड़ के प्रधानगियां छड़ के एक निशान साहब दे हेठां कट्ठे होण अज साडी नलायकी किथे आ जे एक धरा चल रहा साडी ते नहीं बनदी असीं नहीं इहनां नाल तुरना जद गल कौम ते आ बिपता पंथ ते बनी होवे ते असीं पंथ दे ही आ असीं कोई होर पासिओं दे ते आए नहीं ते गल मेरी इन्नी कु आ खालसा जी तुहाडे अगे बेनती कर सकदे आ मननी ना मननी ये हर एक दे अपनी सोच ते डिपेंड आ क्योंकि सगे भरावां दे विचार नहीं रलदे कल जुग आ प्यो पुत दे विचार नहीं रलदे ते तुसी बाकी ते आपे अंदाजा लाई सकदे हो सारियां दे विचारक मतभेद हो सकदे आ पर बेनती ए आ सारे विचारक मतभेद छड के बंदी सिंघां दी रिहाई लई आवाज उठाइए जिहड़े वदोशे सिंघ अगले किन्ने प्यारे खालसा जी छोटी छोटी उम्र दे आ किते ना किते आपां पिछले दिनां तों वेख रहे आ सैकड़ियां दी गिणती बण गई जे कलैक्ट कर लईए नजायज ही जेलां दे विच डक दिते गए एन एस ए वर्गियां धरावां ला दित्तियां ते जिहड़ा शरेआम फरौतियां लै लै के कतल करन वाला बंदा लॉरेंस बिश्नोई आ तुसीं उहदी इंटरव्यू तो वेखी होवेगी आपां किते उदां ही जेल दे कोल दी लंघना होवे ना नोट करके वेखियो साडे मोबाइल तों नैटवर्क उड जांदा क्योंकि जैमर लगे हुंदे आ ते पर जेलां दे विच कित्थों नैटवर्क आ गया जी प्रशासन नूं नहीं जी दिसना बस इन्हां गल्लां करके मैं बेनती करां टारगेट सिर्फ सिखिया क्योंकि इत्थों दी मुख कौम सिखिया जदों बाबा जरनैल सिंह जी भिंडरां वाले महापुरख दमदमी टकसाल दे मुखी बने ना उन्हां भी सिखी दा प्रचार जोरां शोरां नाल कीता सी फिर खालसा जी जदों सुनवाई ने ना होवे फिर पाछा ने तां पहलां ही दस्या कहू किसी को राज ना दे हैं जो ले हैं निज बल से ले हैं साडे पंथ नूं महाराज ने वखरी फौज बनाया केड़ी फौज खालसा अकाल पुरख की फौज ते फौज दा पहरावा किहो जिहा हुंदा है ओह महाराज ने सानूं बख्शिया खालसा मेरो रूप है खास खालसे मैं हो करो नवाज ए मेरी भैणां दे चरणां च वी बेनती है भैणो औरत दा पहरावा ओ कि तुहाडे वल वेख के किसे नूं सत्कार पैदा होवे ना कि वकार पैदा होवे ते जे किसे दे मन दा शंका कि जे असी पहरावा दूसरा भी पाउने आ मॉडर्न ते वेखण वाले दी सोच गंदी आ ए भुलेखे कढ दिओ असी फेमिनिस्ट दा बहुत ढंडोरा पिट लिया जिहो जिहा किसे नूं थाली च परोस के देंगे ना सामने वाले ने ओहो जिहा चखना क्योंकि मगरमच्छ बहुत तुरे फिरदे आ मेरे देश दा सिस्टम करप्ट हो चुकिया जिथे सड़कां बंदे खाणियां जिथे बेपत हुंदियां न्याणियां किवें इंसाफ मिलजू उस देश अंदर
ਕਾਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ 85-85 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਸੇਫ ਨਹੀਂ 3-3 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨਿਓ ਭਾਵੇਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 3-4 ਵਜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੰਨੇ ਸੁਨਸਾਨ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆ ਬਾਣਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਖਲੋ ਜਿਓ ਆ ਤੇਗ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ੁਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਅੱਖ ਭਰ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਹ ਤੇਗ ਕੱਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਡਿਫੈਂਸ ਲਈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨਿਓ ਨਵਾਬੀ ਰੂਪ ਸਾਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ ਸਮਾਗਮ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲੇ ਹੈ ਬਣੀਏ ਜਿਹੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਭੁੱਲਾ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਆਂ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ ਅਸੀਸ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗੀਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਕਰਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾੜੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹਨਾਂ ਹੁਕਮ ਲਾ ਕੇ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਦਿਓ ਅਸੀਸ ਗੱਡ ਕੇ ਆਖੋ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।